सनी भाई, कुछ चेंजेस की आवश्यकता है, और क्या ये चेंजेस जो हैं वो ड्रास्टिक होने हैं या फिर छोटी छोटी चीजों को फिक्स करने की जरूरत है? देखिए, चेंजेस तो होगी। जब आप वर्ल्ड कप में आप जीत नहीं सकते तो चेंजेस तो जरूर होगी, और हमने वो देखा ही है कि जो न्यूजीलैंड के लिए टीम जा रही है T20 के लिए, वहां पे चेंजेस हुए हैं। हमें ये भी बताया गया है कि कुछ ये वर्कलोड वर्कलोड की जो बातें चलती है, अभी कीर्ति ने बिल्कुल कहा, मदन ने बिल्कुल सही कहा कि वर्कलोड होता है तो सिर्फ भारत के लिए खेलने के लिए वर्कलोड कहाँ पे होता है। आप आईपीएल खेलते, पूरे पूरा सीजन आईपीएल खेलते हैं, वहां पे भी आप ट्रैवलिंग करते हैं, और हर 2 दिन के, सिर्फ पिछला आईपीएल चार सेंटर्स में हुआ था, मुंबई में हुआ था, बाकी सब जगह आप इधर ना उधर दौड़ते रहते, तो वहां पे आपको थकान नहीं होती, वहां पे आपका वर्कलोड नहीं होता। सिर्फ जब भारत के लिए खेलना होता है, और वो भी जब आप कहीं ऐसे नॉन ग्लैमरस कंट्रीज में जाते हैं, तो फिर आपका वर्कलोड बनता है। तो ये बात गलत है। ये मुझे लगता है कि ये वर्कलोड और फिटनेस, ये दोनों साथ में नहीं आप कह सकते कि हमारी टीम सबसे बेहतरीन फिट है। हम ऐसी फिट कहीं हमने टीम देखी नहीं। अगर आप फिट है तो वर्कलोड का सवाल कहाँ होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो थोड़े से, हम मराठी में कहते हैं ना कि थोड़ा ज्यादा लाड़ कर रहे हैं, वो जरा लाड़ थोड़ा कम करे। मैं वही कहूंगा, अगर लाड़ थोड़ा कम करे और प्लेयरों को बताए कि देखिए, हम आपको टीम में ले रहे हैं, हम आपको काफी रिटेनर फी भी दे रहे हैं, और अगर वो रिटेनर फी आपको, अगर रिटेनर फी क्या मुझे खेलना नहीं है, ऐसा मतलब वर्कलोड की वजह से हम खेल नहीं रहे, तो फिर रिटेनर फी भी निकालिए। ये भी होना चाहिए जहां पे, तो आप द मोमेंट आप ये करेंगे कि रिटेनर फी, अगर हाँ आप ये मैच मत खेलिए, आपकी रिटेनर फी निकल जाएगी। आप देखिए, बहुत सारे लोग ये वर्कलोड भूल भूल कर सब खेलने आएंगे। आईपीएल शुरू होने के पहले वो एक इंटरनेशनल क्रिकेट की कुछ प्लेयरों की एक बॉडी है, संगठना है फीका, उन्होंने यही कहा था, वर्कलोड वर्कलोड वर्कलोड। जब आईपीएल आया और उसके बाद में ये सारे प्लेयर जो वर्कलोड की बात कर रहे थे, सब आईपीएल खेलने के लिए वर्कलोड भूल गए। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि चेंजेस तो होंगे और होने भी चाहिए। अब वो सही कौन बात। होंगे वो सिलेक्शन कमेटी करेगी, पर हाँ। मुझे लगता है कि एक तरह से आपको प्लेयर को एक संदेशा भेजना है कि आप दोनों नहीं कर सकते। आपको रिटेनर भी नहीं, पूरा रिटेनर भी नहीं मिल सकता, और आप उसके उसके साथ आप नहीं, मुमकिन है वर्कलोड सनी भाई, ये बहुत। अच्छा अच्छा हो सकता है और इसे ट्राई करके जरूर देखा जा सकता है। मदन जी, वही छोटे में मैं समझना चाहती हूँ आपसे, आपने कहा एक कमिटी बना दी जाए, पर अगर बदलाव आप कर पाते, आप क्या चेंजेस इस समय करते? देखिए, चेंजेस देखिए देखना पड़ता है। ये पहले तो 2020 जो क्रिकेट है, यंग मैन गेम्स है, इसमें थोड़े से आपको आप एक्टिव, एवरेज एज घटाते टीम हाँ की हाँ थोड़ी सी, और हाँ, यंगस्टर्स लेकर और आए। यंगस्टर लेके आने चाहिए। दूसरा ये है कि देखिए, अगर इंडिया ने अच्छा करना है 2020 क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में, आई थिंक दे हैव टू मेक श्योर दैट दे हैव ए 10 फास्ट बॉलर, विच वी हैव, बिकॉज बड़ा जरूरी है। अगर अगर विराट कोहली का जब कैप्टनसी देखिए, उसने आइडेंटिफाई किया कि ये मेरे फास्ट बॉलर होंगे, उसके बाद हमने जीतना शुरू किया, क्योंकि ये आइडेंटिफिकेशन करना मतलब बड़ा, पूल बनाए हाँ, हम पूल उसके लिए। बनाया जाए। जी और उसमें उसमें क्या होगा कि क्योंकि शुरू में विकेट मिलना बड़ा जरूरी है आपको, और अब आपके पास पेस बॉलर हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। सही बात। दूसरा मैं एक क्या कहना चाहूंगा, आपके आप जो हमारे बल्लेबाज है उनको जो फियर है हिटिंग द बॉल, वो बिल्कुल 2020 में हटा देना चाहिए, क्योंकि उनको थोड़ा सा क्या जो कोच है या मैनेजमेंट क्या उनको कॉन्फिडेंस दे सकती है, क्योंकि अगर आपके पास फेयर है हिटिंग द बॉल तो फिर बड़ा मुश्किल है आपके। आप देखिए इंग्लैंड का जो स्ट्राइक रेट देखिए, 49 बॉल में उन्होंने 89 रन बनाए, उसने 40 एलेक्स हेले 40 रन में कितने बनाए हैं, मेरे ख्याल 80 ऑड रन। तो जी ये फियर ऑफ जो हिटिंग द बॉल है ना, ये भी थोड़ा सा मैं समझता हूं कि ये हमारे में इनसिक्योरिटी, सम आई डोंट नो व्हाई। लालचंद राजपूत जी, क्या आपके हिसाब से चेंजेस चाहिए इस समय? देखिए, जब वर्ल्ड कप हारते हैं तो चेंजेस का जरूर होना चाहिए, लेकिन क्या चेंजेस होंगे ये तो बहुत मुश्किल है। अभी तो न्यूजीलैंड के लिए तो टीम अनाउंस पहले ही कर दी, वर्ल्ड कप के पहले, हारने के पहले ही। तो आने वाले समय मुझे लगता है कि जैसे कि अभी 2 साल के बाद फिर T20 वर्ल्ड कप है, आपको अभी से प्रिपेयर करना है कि हमें कौन से प्लेयर लेना है, जी कौन से प्लेयर टारगेट करना है, चलिए, और उनके ऊपर ये आपको सही वर्क चीज करना जरूरी होगा। जी। तो
जो जो बड़ी चीज है लालचंद राजपूत जी का ये कहना कि आप समय से पहले से आप तैयारी शुरू कीजिए, जो सनी भाई हमें कह रहे हैं कि एक तो कोचेस बहुत ज्यादा हो गए हैं, आप वहां पर देख सकते हैं क्या सपोर्ट स्टाफ को आप थोड़ा ट्रिम कर सकते हैं, और आपके जो इंसेंटिव हो उसमें आप कितने मैचेस खेल रहे हैं वो सारी वर्कलोड मैनेजमेंट उस हिसाब से हो जाता है।